प्रदेश के कन्नौज जिले में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सपा के गठबंधन को लेकर निशाना साधा और वहीं नीतीश के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी बयान दिया। साथ ही 2024 में भाजपा सरकार फिर से बनने का दावा किया। छिबरमऊ के इब्राहिमगंज पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जहां तक नीतीश के एनडीए में जाने का सवाल है तो विपक्षी गठबंधन से ऊब कर नीतीश जी वापस आए हैं। उन्होंने देखा कि गठबंधन के लोग सिर्फ कमरे में बात करते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं होता, तो वो ऊब गए और ऊब कर उन्होंने किनारा कर लिया। ममता बनर्जी ने पहले साथ छोड़ा, नीतीश जी दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर भी जल्दी आएगा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के पाला बदलने पर भी कहा कि वो 9 बार दल बदल चुके हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस। उनको आप नहीं बोलते लेकिन नीतीश जी कर रहे हैं तो सबको दिखाई दे रहा है। वहीं राजभर ने अगले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार के आने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में माहौल मोदीमय है, चाहे कितना भी लोग चिल्ला लें। स्ट्रीट बस के लिए कन्नौज से पंकज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज नहीं है, पूरे देश में माहौल मोदीमय है, सच्चाई यही है, चाहे कोई कितना हो चिल्ला ले। 2017 लड़के लोग देख लिए, 14 लड़के देख लिए, 19 लड़के देख लिए, 22 भी लड़के देख लिए, आने वाला कल 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं। देखिए, अभी सीट का यहाँ झगड़ा नहीं है, झगड़ा जो वंचित शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो विकास की योजनाएं बीच में ही लूट ली जाती थी, वो योजनाएं उनके दरवाजे तक पहुंचे, सबको शिक्षा एक समान मिले, फ्री मिले, गरीबों का इलाज फ्री में हो, लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, लड़ाई इस बात की है। भाजपा ने बहुत विकास किया, फिर भी ऐसे दल बदलू नेताओं की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, सवाल आप अखिलेश पे नहीं बोलेंगे, 9 बार दल बदले हैं, गिना दूं, 9 बार दल बदले हैं, उनको आप नहीं कह सकते। बहुजन समाज पार्टी कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी सपा, कभी कहीं, उसको आप नहीं बोल सकते। अगर वो नीतीश जी कर रहे हैं तो सबको दिखाई दे रहा है। सवाल नीतीश जी का इसलिए और है क्योंकि उन्होंने 5 सालों में 4 बार ऐसी पलटी हमारी है। पहले कभी जो है लालू के साथ चले गए, फिर वापस बीजेपी, फिर वापस बीजेपी छोड़ के फिर लालू के साथ, अब वापस फिर बीजेपी, क्योंकि शाह साहब ने कहा था कि अब नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा बीजेपी के लिए बंद हो चुके हैं, उनका कभी स्वागत नहीं होगा, और कल फिर से एक हो गए, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने यही कहा था कि हम 17 के गठबंधन में जब कांग्रेस से हुआ तो सपा ने यही कहा कि हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया, अब फिर समझौते हो गए। कैबिनेट विस्तार को लेकर आपको पार्टी तरफ से क्या आश्वासन मिला हुआ है? कब तक कैबिनेट का विस्तार होगा? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन फाइनल होगा। नहीं, आपको आश्वासन क्या मिला अभी तक? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन होगा। आपका भी सपना है यूपी में मंत्री बनना है, तो कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के लिए कितने महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने घोसी के चुनाव में कहा था, सवाल में थोड़ा जोड़ दूं, आपने घोसी के चुनाव में कहा था कि ये चुनाव ओम प्रकाश राजभर वर्सेस अखिलेश यादव है, जहां करारी हार हुई है भाजपा की, तो वहां तो आपका दांव नहीं चल पाया, तो अब आप कितने उपयोगी होंगे? नहीं, अब आप ये समझ लो कि 2017 में सपा ने समझौता किया कांग्रेस से, तो 47 सीट कांग्रेस सपा जीती, 7 वो सीट जीती कांग्रेस, 54 सपा ने बसपा से समझौता किया तो 15 लोकसभा जीते दोनों, 75 विधानसभा। जब अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर से समझौता किए तो 125 सीट जीते, ये भूल रहे हैं? खाता नहीं खुला बीजेपी का आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, बलिया को कोट कर रहा हूं, जो आपने कहा था कि चुनाव अखिलेश यादव वर्सेस ओम प्रकाश राजभर है, मैं आपके बयान को कोट कर रहा हूं। हम अपने वोट के जिम्मेदार हैं, हमने अपना वोट मजबूती से दिलवाया, जहां बीजेपी थी वहां उसको पहुंचाया, 82,000 वोट मिला। बसपा चुनाव लड़ गई होती तो हैसियत पता हो गई होती सपा की। कन्नौज लोकसभा में क्या फर्क रहेगा? कहीं लड़ाई नाम की चीज नहीं है, घर घर जो है लोग अब 22 तारीख से घर घर बाजा बज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे,
यही तो बज रहा है बाजा। कांग्रेस और अखिलेश का अगर गठबंधन होता है तो आपके लिए क्या चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस से अखिलेश जी ने गठबंधन करके देख लिया है 17 में, बसपा से भी गठबंधन करके देख लिया है, हमसे भी गठबंधन करके देख लिया है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी गठबंधन में अंदाजा? अब वो कांग्रेस के लोग बता सकते हैं ना। 11 सीटें देने की अनुमान बताया है। राजा को पता नहीं, मुसार बन बांट दिए। आपने फिलहाल कितनी लोकसभा का ही समय बचा है, तो आपने कुछ तो डिमांड किया होगा कि... देखिए, हमारी लड़ाई सीट की नहीं है, हमको सरकार नहीं बनानी है। हम जो वंचित शोषित हैं, जिनके दरवाजे आज तक शिक्षा नहीं पहुंची, जिनको स्वास्थ्य नहीं, आज तक स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला, जिनके यहाँ रोजगार नहीं पहुंचा, जिनको नौकरी नहीं मिली, जो रिजर्वेशन 27% है उसको बांट करके सबको देने की कवायद हो रही है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराना मकसद है, इन चीजों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। हम लोग सीट का झगड़ा, मंत्री का झगड़ा नहीं है, झगड़ा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके लिए झगड़ा होता है। मायावती ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहेगा ऐसे में? कोई मतलब नहीं है ना। तो ममता जी ने मना कर दिया कि हम बंगाल समझौता नहीं करेंगे। अब ममता जी यूपी में कई वोट दिलाएंगी, KCR आके कई वोट दिलाएंगे, लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे, जो इंडिया गठबंधन में लोग हैं कई वोट यूपी आके दिलाएंगे? 2 ही तो MLA कांग्रेस के हैं यूपी में। बात वोट जहां तक वोट दिलाने की है तो कहीं ना कहीं आप इसमें विश्वसनीयता पर नहीं फर्क है? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, अखिलेश में विश्वसनीयता फर्क नहीं है? दो दो बार में सुन लीजिए सवाल का उत्तर। उत्तर तो तब दीजिए ना, जब सबसे पहले आजमगढ़ उपचुनाव हुआ आपने कहा कि हम एकतरफा जिताएंगे, तब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, AC में बैठे थे, AC में सूत रहे थे अखिलेश जी, तब आपने नहीं जगाया उनको? नहीं, वो जगाया AC में, सोकर वो खेल रहे थे, क्या कहते हैं, लूडो साथ आपके, अखिलेश जी लूडो खेल रहे थे AC में बैठ के, तब आपको नहीं चिंता लगी? नहीं, चिंता हमारी थोड़ी करनी, हमें लड़ ले यार आजमगढ़ द्वारा पर औकात पता लग जाएगा। आजमगढ़ 1 लाख वोट पोल कराया था ओम प्रकाश राजभर ने, तब जाकर के उनकी दूसरे नंबर पर जमानत बची। अखिलेश स्वयं कन्नौज लोकसभा चुनाव लगभग उनका फाइनल टिकट हो, लड़े कौन मना करा, लोकतंत्र है, सब लोग कहीं लड़ सकते हैं। बार बार दल बदलने से क्या जनता के वोट का अपमान नहीं होता है? आखिर ऐसा नेता क्यों करते हैं? ये अखिलेश से पूछिए, ये बात अखिलेश से पूछिए कि 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, 2 बार RLD से, 1 बार निषाद पार्टी से, 1 बार सुभाषपा से दल बदलने से क्या हो रहा है, उनसे पूछ लीजिएगा। बार बार आप भी दल बदलते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अगर वो कर रहे हैं तो रासलीला आपको दिखती है, वो करते हैं तो रासलीला दिखती है। हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो करते हैं तो रासलीला दिखती है, हम करते हैं तो कलेक्टर ढीला दिखती है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए जनता के हित के लिए गठबंधन होते हैं, सरकार बनाने के लिए सरकार में रहकर के जनता के हित के लिए होते हैं, चाहे वो कोई भी करता हो। आप क्यों अपना चैनल बदलते हैं, आज इसमें कल उसमें परसों उसमें, होता है नहीं होता है? हम तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं नौकरी करते हैं, आप सेवा कर रहे हैं, हम नौकरी नहीं, हम नहीं सेवा और नौकरी नहीं, 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 बता दूं, अब राजनीति अवसरवादिता की राजनीति हो गई है। अब आप सही है, हमसे तुलना अब वो चीज नहीं कर रहे हैं, हम सेवा नौकरी कर रहे हैं, जो गठबंधन हो रहे हैं अवसरवाद हो रहे हैं, अवसरवाद के लिए हो रहे हैं। अब वो जनता की चीजों का वो नहीं रह गया जो कल तक जो नेता थे। तो ऐसे में वोट का अपमान नहीं होता जनता की? पहले बात आप जान लो, जनता आज के तारीख में 45 से 50% अशिक्षित है, जो जिसको 5 किलो गेहूं पसंद है उनके यहाँ शिक्षा नहीं है। आप उनसे पूछो, जाओ गांव में, आपको नेताओं से मिलते हो, जाओ गांव में, नहीं जाते। वो 5 किलो राशन के लिए खुश है, उसको आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। वो किसान खुश है जिसको आज 12,000 किसान सम्मान निधि मिल रही है। बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात आपने बात कही, 5 किलो राशन की आपने बात कही, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बताइए, जनता जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 मुख्य मुद्दे थे मेरा इस पे लेके युवाओं से कई बार संवाद हुआ है, और आपने आज वही चीज छेड़ दी। भाई यही कहते हैं कि 5 किलो राशन का थोथा पकड़ा के उनके हाथ में उनको बेरोजगारी और अशिक्षा की ढूंढी पकड़ा दी गई है। उनको आज तक उनको शिक्षा के कोई नहीं दे रहा है, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे रही सरकार? 40 साल कांग्रेस